एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमें आईपीएल या फिर अनवांटेड 72 लिए हुए एक हफ्ता हो गया है या फिर 4 दिन हो गए हैं, 5 दिन हो गए, अभी तक हमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आ रहा है। लाइक ब्लीडिंग होना या फिर वीकनेस, इस तरह का कोई भी हमको साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है। क्या हमें प्रेगनेंसी लगने के चांस तो नहीं है? क्या ये साइड इफेक्ट होना जरूरी है? इस तरह के काफी आपके सवाल आते हैं, तो आज इस वीडियो में जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर जुड़े रहें। तो देखिए, जब आप आईपीएल लेते हैं या फिर अनवांटेड 72 लेते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हर फीमेल को ये साइड इफेक्ट हो। साइड इफेक्ट देखिए क्या हो सकते हैं आपको, हेडेक होना, चक्कर आना, उल्टी, थकान या फिर दर्द होना, या फिर हल्की फुल्की ब्लीडिंग होना, इरेगुलर ब्लीडिंग जिसे बोलते हैं, तो वो आपको हो सकती है। और ये जरूरी नहीं है कि हर फीमेल को हो, ये फीमेल टू फीमेल वेरी करती है, किसी को होता है किसी को नहीं होता है। अब जिन फीमेल को हो रहा है उनको ही, ऐसा नहीं है कि उनको ही जो आईपीएल है वो काम कर रही है, उनको प्रेगनेंसी से वो बच जाएंगी, बाकी की जो फीमेल जिनको साइड इफेक्ट नहीं आ रहे हैं वो प्रेगनेंसी से नहीं बचेंगी, यानी कि उनको प्रेगनेंसी लगने के चांस है। तो ऐसा नहीं है, ये मिथ्स हैं केवल। आपको साइड इफेक्ट होना जरूरी नहीं है। आपको ध्यान रखना है, आपको जो पीरियड है वो 4 से 6 हफ्ते में आ जाने चाहिए। अगर 6 हफ्ते तक नहीं आते हैं वहां पे एक प्रेगनेंसी टेस्ट कीजिए। अगर निगेटिव आता है और फिर भी आपके पीरियड नहीं आते हैं तो आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। आप घरेलू तरीके भी यूज कर सकती हैं, मैंने एक वीडियो बनाई हुई है पूरी, वो आप देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। काफी इजी घरेलू तरीके मैंने वहां पे बताए हैं जिससे कि आप अपना पीरियड 2 से 3 दिन में ला सकते हैं। इसके अलावा घरेलू तरीके आपको नहीं यूज करने हैं क्योंकि घरेलू तरीके में काफी पेशेंट का पीरियड रखने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे आप ट्रीटमेंट की तरफ भी जा सकती हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट दवाइयों के माध्यम से भी आपको अपने पीरियड को ला सकती हैं। 4 से 5 दिन के अंदर आपके पीरियड आ जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। कोई भी सवाल है आपके तो डायरेक्ट इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे भी लिख सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।